हाय दोस्तों, मैं संजय आपके लिए नया वीडियो लेकर आया जो है इम्पोर्टेंट टाउन्स एंड बैंक ऑफ रिवर्स। जो इम्पोर्टेंट टाउन है इसके कौन सा वो इम्पोर्टेंट टाउन कौन सा रिवर के किनारे में अवस्थित है इसके बारे में एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, और इसी टाइप ऑफ क्वेश्चन को आप लोग कैसे चुटकी में से ख़त्म करेंगे वो प्रॉब्लम देखिए। ये वीडियो देखिए, मैंने मन से कुछ ट्रिक बनाया है जो ट्रिक आपको हेल्प करेंगे। आप भी अपने मन से बहुत सारे ट्रिक बनाइए जिसको याद करने के लिए आपको हेल्प करेगा। आप भी अपने मन से एक ट्रिक बना के वही ट्रिक को आप अप्लाई करो एग्ज़ाम में, देखो आप भी सक्सेस हो जाएंगे। कैसे बड़ा बड़ा नाम को बहुत कम टाइम में कम वर्ड में याद करेंगे वही ट्रिक सीख लो। ठीक है दोस्तों, मैं जा रहा हूँ आपको वही वीडियो दिखाने के लिए, वो है जो इम्पोर्टेंट टाउन्स एंड बैंक ऑफ रिवर्स। पहले आए गंगा, गंगा के देखिए, गंगा रिवर, गंगा गंगा क्या हुआ, मैं कैसे देखा ना गंगा माँ। गंगा के रिवर के बारे में एक स्टोरी लिया जो आप इसको थोड़ा सा ध्यान में सुन लो और आपको याद करेगा गंगा के किनारे में क्या क्या टाउन अवस्थित है व शहर प्रमुख शहर अवस्थित है। जैसे मैं इधर लिखा छोटा छोटा लाल वाला अक्षर से, ये कोई मतलब किताब में नहीं है, ये ठीक आप लोग क्या किया अपने मन से ट्रिक लो। मैं भी मेरा मन से वही ट्रिक लेके इधर पेस्ट किया है। देखिए लिखा है मैंने, गंगा माँ अल्लाह और हरी के लिए कान में पैंट और बनारसी साड़ी पहने। याद कीजिए क्या मैंने बोला, गंगा माँ अल्लाह और हरि के लिए कान में पैंट और बनारसी साड़ी पहनी। कान में कोई पैंट नहीं पहने भाई, लेकिन इधर याद करने के लिए मैं कान में दिया, वो ठीक नहीं है कान में पैंट पहनना। लेकिन गंगा माँ ने अल्लाह और हरि के लिए दोनों को एक, अल्लाह और हरि दोनों कभी एक इकट्ठे नहीं होते, दोनों को राजी कराने के लिए इकट्ठे करने के लिए वो क्या किया ना, कान में पैंट और बनारसी साड़ी पिंदी। याद रखे ना दोस्तों, क्या ना गंगा माँ अल्लाह और हरि के लिए कान में पैंट और बनारसी साड़ी पहने। मैं क्या किया, अल्लाह हरि कान पैंट बनारसी को अंडरलाइन की किया। देखिए अल्लाह, ये अल्लाह में आता है इलाहाबाद, देखिए दोस्तों अल्लाह में इलाहाबाद। ऐसे हरि में आ जाता है हरिद्वार, कान में कानपुर, पैंट में पटना, बनारसी। देखिए दोस्तों ये कितना बड़ा, वही गंगा के किनारे में जो पांच प्रमुख शहर है मैं कितने आसानी से आप लोग को बता दिया। ऐसे भी आप लोग इसको अच्छे से याद कर लो, क्या अल्लाह गंगा माँ अल्लाह और हरि के लिए कान में पैंट और बनारसी साड़ी पहने। ओके दोस्तों, अल्लाह में इलाहाबाद, हरि में हरिद्वार, कान में कानपुर, पैंट में पटना, बनारस में बनारसी। ऐसे और क्या है, जमुना नदी के बारे में देखिए, जमुना नदी में क्या लिखा है, जमुना ने मथा पीट पीट के एग्री हुआ दिल देने को। ओके दोस्तों, जमुना एक लड़की का नाम ले लो जो कि मथा पीट पीट के एग्री हुआ दिल देने को। याद रह गया ना दोस्तों, जमुना ने मथा पीट पीट के एग्री हुआ दिल देने को। ऐसे जमुना नदी के किनारे में बा जमुना नदी किनारे में कौन सा अच्छा प्रमुख शहर है, जैसे मैं लिखा मथा एग्री दिल, ये तीनों वर्ड को मैं किया ना अंडरलाइन किया। मथा में आ जाएगा मथुरा, एग्री में आ जाएगा आगरा, दिल में आ जाएगा दिल। ओके दोस्तों, ऐसे और बहुत सारा ट्रिक है जो आपने मन से बनाओ और आपको आप वही को याद करो, आपको एग्जाम में वही आपको हेल्प करेगा। जैसे मैं लिखा है इधर और आ गया इधर सूरत। क्या है दोस्तों, ये सब वीडियो मैंने जो बनाया, आप लोग इसको वीडियो पॉज करके इसको नोट कीजिए और पढ़ाई कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है आप भी आपके दोस्तों लोग के साथ
शेयर कीजिए। ये मेरा वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि इसमें बहुत सारे सीखने का पॉइंट है जो आपको एग्जाम में हेल्प करेगा, स्पेशली रेलवे एंड एसएससी के लिए ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ओके दोस्तों, सूरत ताप्ती, सूरत का क्या होगा ना ताप्ती, इसको कैसे याद करेगा, मैं इसे छोटा सा एक ट्रिक बताता हूँ क्या ना, आप इसको याद कर, मतलब मैं जो बोलता हूँ इसको आपको एक्सेप्ट करो या तो नहीं करो, लेकिन आप कैसे भी है इसको याद करना है। मैं याद करने के लिए क्या किया, मैं छोटा छोटा इसे छोटा छोटा ट्रिक बनाया और ट्रिक लेके याद कर लिया। जैसे कि मैं लिया कि खूबसूरत होने के लिए आप हमको टॉप करना पड़ेगा। अरे भाई, खूबसूरत तो हम खुद नहीं बन पाएंगे, वही खूबसूरत बनने के लिए हमको टॉप करना पड़ेगा। खूबसूरत से आ जाएगा सूरत और टॉप में आ जाएगा ताप्ती। ओके दोस्तों, खूबसूरत बनने के लिए हमको टॉप करना पड़ेगा। और आ गया इसके बाद नासिक गोदावरी। नासिक जो टाउन और शहर है वो कहाँ पर है ना, गोदावरी नदी के किनारे है। वो कैसे आएगा, नासिक गोदावरी, नासिक से आ जाएगा नाक, गोदावरी तो मतलब गोदावरी। इससे क्या होता है ना, बच्चे लोग, जो लोग बच्चे होते हैं इसका नाक से हमेशा गोदावरी ही निकलते हैं। समझ गया ना बात में क्या बोल रहा हूँ, बच्चे लोग का नाक से हमेशा गोदावरी निकलते हैं, नासिक से और नाक से गोदावरी निकलता है। उसे दोस्तों इसके बाद आया अयोध्या सरजू नदी के लिए, सरजू नदी के किनारे अयोध्या अवस्थित है। देखिए जानते सबको, अयोध्या क्या है, राम का जन्मस्थान, प्रभु श्री रामचंद्र का जन्मस्थान होता है अयोध्या। वो राम क्या चलाते थे, बाण चलाते थे, जो इसको तीर बोलते हैं। ओके, हम उड़िया में इसको सरोदी बोलते हैं, उड़िया के तीर को आरो को हम लोग सरो भी बोलते हैं। इसे राम क्या करते थे ना, सरो चलाते थे, इसे अयोध्या सरजू। ओके, इसके बाद आया श्रीनगर। श्रीनगर का क्या होता है ना, झेलम, श्रीनगर का झेलम, हम सबको जानते हैं। जे में आ जाएगा जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर का कैपिटल और राजधानी क्या होता है ना, श्रीनगर होता है, वही जे में झेलम। श्रीनगर जो शहर है वो झेलम नदी का किनारे में स्थित है, वो जे में आ जाएगा झेलम। श्रीनगर जम्मू कश्मीर का कैपिटल है, वही जे से झेलम। इसके आएगा लखनऊ का हो जाएगा गोमती। देखिए लखनऊ से आ जाएगा लख, और गोमत से आ जाएगा गट मतलब पाना। जो हु हैज लक ही विल गट, ऐसे याद करना, हु हैज लक, जिसका लक है वो पाएगा, गट मतलब पाना, हु हैज लक ही विल गट, हु हैज लक ही विल गट, जिसका लक है वो पाएगा। इसके बाद नर्मदा, जबलपुर नर्मदा, ये तो बहुत आसानी से याद रह जाएगा, क्या हमारा जबलपुर से हो जाएगा जल क्या होता है, नरम होता है, इसे आसानी से याद रहेगा, जल नरम होता है। इसके बाद गया राउरकेला ब्राह्मिणी नदी, राउरकेला जानते हैं, राउरकेला ब्राह्मिणी नदी में स्थित किनारे में अवस्थित है। किसे याद करना है, राउरकेला जानते हैं आप लोग को, हमारा फिल्म स्टार परेश रावल वो किसी कास्ट का था, किसी कास्ट का है, वो ब्राह्मीण है, ऐसे याद करना, जो राहुल लोग है वो लोग ब्राह्मीण है। ओके, परेश रावल ब्राह्मीण है, ऐसे याद रखना, परेश रावल ब्राह्मीण है, ओके, राउरकेला ब्राह्मीण नदी के पास किनारे स्थित है। जमशेदपुर सुनरेखा जो है वो सुनरेखा के होता है। जमशेदपुर से आप लोग को याद करना है जमाट बांधना, मतलब पूरा टाइट होके कस के रहना, जमाट बांधना सुनरेखा। सोना क्या होता है ना, जमाट बांध के रहते हैं, माटी के नीचे जो, मिट्टी के नीचे जो सोना का खादन होता है ना, वही वो क्या होता है ना, जमा होके पूरा जमाट बांध के रहता है सोना,
सोन जमाक्ट बांध के रहता है, जैसे याद रखना जमशेदपुर सोनरेखा। ओके, और आया इसके बाद लुधियाना और फिरोजपुर। फिरोजपुर ये दोनों को कैसे याद करना है भाई? लुधियाना का फिरोज भाई सतेज है, ऐसे याद रख देना। हमारा जो के लुधियाना का एक भाई है, इसका नाम है सूरज फिरोज, वो बहुत सतेज है। लुधियाना का फिरोज भाई बहुत सतेज है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद नया क्या आया? गोमती ब्रह्मपुत्र, गोमती ब्रह्मपुत्र। ऐसे भी आप छोटा छोटा ट्रिक अपने अपने मन से बनाओ और इसको याद कीजिए। जैसे कि गोमती, गोमती लास्ट में क्या होता है? हाथी, 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 हाथी से क्या होता है ना? ब्रह्मपुत्र। हाथी से आ जाएगा, जैसे हाथी से ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र से क्या आ जाएगा ना? हाथी पुत्र, हाथी पुत्र, नहीं तो हाथी ब्रह्मा, ऐसे भी याद रख लो। हाथी क्या होता है ना? ब्रह्मा होता है, ब्रह्मा है हाथी होता है, हाथी भगवान है, वो ब्रह्मा है, ऐसे भी याद रख। हाथी ब्रह्मा है, नहीं तो हाथी पुत्र है, वो ऐसे याद करना। अपने मन से बनाओ वो हो जाएगा और आपको एग्जाम में आपको ये हेल्प करेगा। और आ गया कलकत्ता, वो कहाँ है ना? हुगली नदी के किनारे, कलकत्ता हुगली नदी। विजयवाड़ा कृष्णा, विजयवाड़ा कृष्णा, कलकत्ता हुगली, त्रिचुनापल्ली कावेरी नदी, त्रिचुरापल्ली कावेरी। देखो इसको याद करके से करना, त्रिचुरापल्ली कावेरी। त्रिचुरापल्ली में क्या होता है? तीर होता है, तीर में तीर, वो क्या होता है? कर्व होता है, कर्व मतलब बंका, बंका मतलब बैंड होता है। ओके, इसे बंद करना है क्या ना? तीर कर्व होते हैं, तीर कर्व होता है। इसके बाद है उज्जैन, उज्जैन किसी ना काशीपुरा नदी है, वो इसके इसके किनारे उज्जैन शहर स्थित है, उज्जैन काशीपुरा। मथुरा जमुना, ये तो सबको जानते हैं, मथुरा जमुना, ये हमारा जो हिंदू भाइयों है वो कृष्ण का जन्म था मथुरा, वो कहाँ है? जमुना, जमुना नदी किनारे है। इलाहाबाद साबरमती, इस ये तो बहुत सारा मतलब ये बहुत बढ़िया है। साबरमती जो आश्रम है वो गांधी का, इस गांधी जी ने बनाया था साबरमती, वही इलाहाबाद में बनाया था। इलाहाबाद जो प्रमुख सिटी है, सिटी है या प्रमुख शहर है, वो साबरमती नदी के किनारे है। साबरमती और एक क्या होता है ना, आश्रम होता है, गांधी जी ने बनाया था एक आश्रम, बनाए थे क्या आश्रम बनाए थे, वही आश्रम इलाहाबाद में है। और इसका आश्रम ना साबरमती आश्रम भी था, इसको याद करना, इलाहाबाद साबरमती। हैदराबाद मुसी, हैदराबाद मुसी, हैदराबाद मुसी। कटक महानदी, कटक जो है वो महानदी, और कटक ऐसे भी है, संबलपुर है, इधर भी संबलपुर है। कटक जो उड़ीसा का होता है, संबलपुर भी वही महानदी में किनारे होता है, वो उड़ीसा का होता है। बद्रीनाथ, ये तो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है भाई, बद्रीनाथ, बद्रीनाथ कहाँ ना? अलकानंदा, बद्रीनाथ अलकानंदा, बी ए, इसे याद करना, बी ए। ओके, यार ऐसे भी याद रखना, इसको बहती है क्या अलका, अलका मतलब जैसे भी आप याद रख लो, ठीक है, बद्रीनाथ अलका नंदा। ठीक है दोस्तों, क्या करना है, इसको नोट करके आप लोग पढ़ाई कीजिए और बार बार चार पांच बार इसको पढ़ाई कीजिए, चार पांच बार नहीं तो मेरा वीडियो देख लीजिए, आप भी ईयरफोन दे के आप इसको सुनो, आराम से याद रह जाएगा। ओके दोस्तों, ठीक है, आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद मेरे वीडियो देखने के लिए। क्या कीजिए, मेरे वीडियो आपको अगर अच्छे लगता है तो आप लोग इसको कमेंट कीजिए, और कोई कोई मेरा वीक पॉइंट रह जाता तो आप लोग को समझ नहीं आता, आप कमेंट करके बताइए क्या क्या ख़राब होता है मेरे वीडियो में, मैं भी वीडियो सुधारूंगा और आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लाने के लिए कोशिश भी करूंगा। ठीक है दोस्तों, रखता हूँ, बाय।